ऐसी बन रही है, ग्रुप स्टेज की स्थिति ऐसी बन रही है कि इंडिया क्वालिफाई कर गई है। 3 मैच 6.1137 का नेट रन रेट है। यूएसए दूसरे नंबर पे है 3 मैच में 4 पॉइंट के साथ प्लस 0.127 का नेट रन रेट है। पाकिस्तान अब उससे नेट रन रेट में ऊपर चली गई है। पाकिस्तान 3 मैच 2 पॉइंट प्लस 0.191 का नेट रन रेट। चौथे नंबर पे कनाडा है 3 मैच माइनस 0.493 का नेट रन रेट है, 2 पॉइंट है। आयरलैंड को अभी अपना खाता खोलना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई है 3 मैच में 6 पॉइंट प्लस 3.580 का नेट रन रेट है। दूसरे नंबर पर स्कॉटलैंड है 3 मैच में 5 पॉइंट प्लस 2.164 का नेट रन रेट है। तीसरे नंबर पर नामीबिया है 3 मैच में 2 पॉइंट माइनस 2.098 का नेट रन रेट है। चौथे नंबर पर इंग्लैंड है 2 मैच में एक ही अंक है इनके पास, माइनस 1.80 का नेट रन रेट है। पाँचवें नंबर वो मान है जिनके पास कोई अंक नहीं। ग्रुप सी सबसे डेंजर में है। ग्रुप सी में अफगानिस्तान नंबर 1 पे 4 पॉइंट 2 मैच में प्लस 5.2245 का नेट रन रेट है। नंबर 2 पे वेस्ट इंडीज 2 मैचों में 4 पॉइंट प्लस 3.574 का नेट रन रेट है। नंबर 3 पे युगांडा है 3 मैच में 2 पॉइंट माइनस 4.217 का नेट रन रेट है। नंबर 4 पे पापुआ न्यू गिनी 2 मैच में कोई जीत नहीं। न्यूजीलैंड एक ही मैच खेला है, माइनस 4.200 का इनका नेट रन रेट है। साउथ अफ्रीका भी ग्रुप डी से क्वालिफाई कर गई है। साउथ अफ्रीका 3 मैच में 6 पॉइंट प्लस 0.603 का नेट रन रेट। नंबर 2 पे है बांग्लादेश 2 मैच में 2 पॉइंट प्लस 0.075 का नेट रन रेट। नंबर 3 पे है नीदरलैंड 2 मैच में प्लस 0.024 का नेट रन रेट, 2 पॉइंट है। नंबर 4 पे नेपाल 2 मैच में 1 पॉइंट माइनस 0.539 का नेट रन रेट है। नंबर 5 पे श्रीलंका 3 मैच माइनस 0.777 का नेट रन रेट है, 1 पॉइंट। और इस तरीके से यहाँ पे